हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुभाष बायोलॉजी। तो गाइज, आप लोगों ने देख लिया होगा, हम लोगों ने बात किया था एग्जामिनेशन ऑफ सीमेन एनालिसिस के ऊपर। तो गाइज, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आज एमसीक्यू और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन सीमेन एनालिसिस। अगर गाइज आप लोगों ने वो लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, पहले जाके आप लोग उसको देख लीजिए। और उसके बाद आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बात करेंगे। तो क्वेश्चन जो है बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है गाइज, आप लोगों को ये लग सकते हैं कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें से हम लोगों को एग्जामिनेशन में कौन सा कैसा टाइप का क्वेश्चन आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत सारे स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड के एग्जामिनेशन में ऐसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं जो कि आप लोग नॉर्मली ऐसे ही मतलब बहुत ही ईजी समझ के छोड़ के चले जाते हैं। गाइज, इस वीडियो लेक्चर को पूरा एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को बहुत सारे नॉलेज गेन हो सके, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, व्हिच टेस्ट इज यूजुअली फर्स्ट रिकमेंडेड इन एन इनफर्टाइल कपल। तो गाइज, आप लोगों को पता होगा इनफर्टिलिटी का मतलब मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि अनेबल टू रिप्रोड्यूस, यानी आगे अपना वंश विस्तार ना कर पाना, ठीक है। तो ऐसा कौन सा कंडीशन में होता है ये जो प्रॉब्लम होता है, ये फीमेल के अंदर में हो सकता है एज वेल एज मेल के अंदर में भी होता है। तो गाइज, अगर मेल के अंदर में होता है तो हम लोग ऐसा कौन सा टेस्ट करते हैं टू चेक इनफर्टिलिटी। तो ऑप्शन सारे आप लोगों के सामने दिए हुए हैं, दैट इज सेमेनोग्राम, अल्ट्रासाउंड आप लोगों का दिया गया है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी एज वेल एज नॉन ऑफ द अबव। गाइज, इसका आंसर अगर आप लोगों को पता होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द सेमेनोग्राम और द सीमेन एनालिसिस। हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग मेल इनफर्टिलिटी को चेक कर पाएं, ठीक है। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये दिया गया है, द कलर ऑफ द सीमेन इज बिकॉज ऑफ। तो ब्लड का जो होता है कलर रेड कलर होता है बिकॉज ऑफ द ब्लड पिगमेंट दैट इज द हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप लोग देखा जाए कि आप लोगों को मैं बताई थी सीमेन का नॉर्मल जो होता है इट इज हाईली विस्कॉस इन नेचर एंड इसका जो कलर रहता है वो ग्रे व्हाइट कोअगुलम टाइप का रहता है। तो इसका कलर ऐसा क्यों है, ऐसा कौन सा चीज़ इसके अंदर में प्रेजेंट है जिसके वजह से इसका कलर ऐसा है। तो ऑप्शन सारे दिए गए हैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, दैट इज बिलिरुबिन, हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम्स और फ्लेविन। तो गाइज, इसका आंसर हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज द ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फ्लेविन। तो फ्लेविन की वजह से आप लोगों का सीमेन का कलर जो होता है ना इस टाइप का रहता है, व्हाइट ग्रे कलर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, व्हिच मेथड प्रोवाइड्स द बेस्ट सीमेन सैम्पलिंग। तो अगर वीडियो लेक्चर अगर आप लोगों ने सही तरीके से देखा होगा, आप लोगों को पता होगा हम लोग सीमेन सैंपल को कलेक्शन अच्छे से कर पाते हैं, ताकि हम लोगों को पहले तो कलेक्शन ही इंपॉर्टेंट है ना। अगर कलेक्शन सही रहेगा तो टेस्टिंग भी सही रहेगा, अगर टेस्टिंग सही रहेगा तो रिपोर्ट भी सही आएंगे, अगर रिपोर्ट सही आएगा तो ट्रीटमेंट भी सही होगा। तो उसी तरह डिपेंड करता है मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को कलेक्शन सही तरह से होना चाहिए। तो कलेक्शन किस तरह से आप लोग सीमेन का कलेक्शन करते हो, कॉइटस इंटरप्टस, मास्टरबेशन, कलेक्शन इन कॉन्डम, ऑल ऑफ द अबव। तो कोइटस इंटरप्टस का मतलब होता है कि मतलब ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स आप लोग क्या करते हैं ना, बिफोर इजाकुलेशन लोग वहीं पे इंटरप्ट कर देते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का आता है मास्टरबेशन एंड नेक्स्ट आता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कलेक्शन इन कॉन्डम। तो दैट इज ए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। सो आप लोग जो यूज़ करते हो उसके अंदर में जो सीमेन सैंपल लगा होगा उसको लेना चाहिए, या फिर आप लोगों का गाइज ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है, ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज, आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा कौन सा मतलब मेथड में आप लोगों को बताई थी कि अगर आप लोग इसी में से कलेक्शन करोगे तो रिपोर्ट आप लोगों का सही आएगा। तो गाइज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मास्टरबेशन। इट इज डन इन द पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी, क्योंकि यानी लिक्विफिकेशन होता है जो 30 मिनट, उसके बाद 2 घंटे के अंदर में ही आप लोगों को टेस्टिंग करना पड़ता है। सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टाइमिंग, ठीक है। तो इसीलिए गाइज ये होता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आया है, व्हाट पीरियड ऑफ अब्सटिनेंस इज यूजुअली रिकमेंडेड बिफोर टेकिंग ए सीमेन सैंपल। तो सीमेन सैंपल लेने से पहले कितने दिन का आप लोगों का अब्सटिनेंस होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को गाइज वीडियो लेक्चर में बता चुकी हूँ। 1 day, 2 days, 3 days या फिर 10 days, गाइज जितना दिन आप लोगों का होगा उतना आप लोगों का स्पर्म काउंट इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे मिनिमम आप लोगों का 3 days अब्सटिनेंस होना चाहिए फॉर सीमेन एनालिसिस, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये दिया गया है, स्पर्माटोजुआ यानी स्पर्म सेल्स व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम टेस्टिस कंप्राइज अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ सीमेन सैंपल। तो सीमेन सैंपल एक कंपोजिट सॉल्यूशन होता है व्हिच कंस्टिट्यूट्स ऑफ स्पर्माटोजुआ एज वेल एज फ्रुक्टोज एज वेल एज कैल्शियम। तो ऐसा सोल्यूशन में आप लोगों का स्पर्मड जो होता है जो वो कितना परसेंटेज का रहता है, तो आप लोगों के सामने जैसे कि 2%, 5%, 10%, 20%। सो द आंसर इज 5%, ओनली 5% आप लोगों का स्पर्मड जो रहता है इन द सीमेन सैंपल, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये आ गया है कि जो सीमेन सैंपल सिक्रेशन होता है ये सिर्फ
एक ही ऑर्गन से सिक्रेशन होता है या फिर बहुत सारे ऑर्गन से सिक्रेशन होता है, यानी इसका मतलब ये होता है कि सेमन सैंपल सेमिनल वेसिकल से ही सिर्फ सिक्रेशन होता है या फिर आप लोगों का एपिडिडाइमियस वासा डिफरेंस है, ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गन है विच ऑल्सो सिक्रेट सेमन सैंपल। तो चलिए इसका परसेंटेज देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह आ गया है आप लोगों के सामने, प्रोस्टेट कंट्रीब्यूट्स डैश ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सीमेन। तो क्वेश्चन देख के ही आप लोग पता कर पा रहे हो कि प्रोस्टेट ग्लैंड से भी आप लोगों का सीमेन सैंपल सिक्रेशन होता है, लेकिन कितना परसेंटेज सिक्रेशन होता है ये अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 20%। 20% ऑफ सीमेन सैंपल इज कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड नेक्स्ट अगर आप लोगों को पूछा जाए मेनली आप लोगों का बाकी 80% कहाँ से सिक्रेशन होता है, चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन में आप लोगों के सामने ये दिया गया है, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द सीमन वॉल्यूम इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स। तो सेमिनल वेसिकल्स से कितना परसेंटेज ऑफ सीमन सिक्रेशन होता है, सो दैट परसेंटेज हियर इज वेरी मच ग्रेटर अमाउंट। तो यही सही होता है, आप लोगों का सीमन जो होता है बहुत ही ज्यादा अमाउंट में सिक्रेशन होता है, सो दैट इज द सेमिनल वेसिकल्स। कितना परसेंटेज का होता है गाइस, ये होता है आप लोगों का 60%। तो 20% होता है आप लोगों का प्रोस्टेट ग्लैंड से, 60% होता है आप लोगों का सेमिनल वेसिकल से, तो बाकी 20% किससे होते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन ये दिया गया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीमेन वॉल्यूम इज कंट्रीब्यूटेड बाय एपिडिडाइमिस वासा डिफरेंसिया बल्बो यूरेथ्रल एज वेल एज यूरेथ्रल ग्लैंड। तो इसमें से भी गाइज आप लोगों का यहीं से पता चल रहा होगा कि सीमेन सिक्रेशन होता है, लेकिन कितना परसेंटेज होता है ये आप लोगों के सामने आके क्वेश्चन हो गया है, 5-10%, 10-15%, 20-25%, 25-30%। गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ 10-15% ऑफ सीमेन वॉल्यूम इज सिक्रेटेड फ्रॉम दिस वासा डिफरेंसिया एपिडिडाइमिस एज वेल एज बल्बो यूरेथ्रल एंड यूरेथ्रल ग्लैंड। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टेट बोर्ड सेंट्रल बोर्ड में आ चुका है, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। द क्वेश्चन ये है कि आप लोगों का द प्रोस्टेटिक सिक्रेशन इज रीच इन व्हिच एंजाइम। प्रोस्टेटिक सिक्रेशन होता है उसके अंदर में कौन सा एंजाइम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज, SGOT, CPK। तो आंख बंद करके गाइज आप लोगों को यही होगा आंसर, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर में। तो आंसर इज एसिड फॉस्फेटेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज नहीं है, ठीक है, एसिड फॉस्फेटेज इज द करेक्ट आंसर, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द नॉर्मल लिक्विफिकेशन टाइम ऑफ सीमन सैंपल। तो ऑलरेडी हम लोग उसके बारे में बात कर चुके हैं, तो अप टू 30 मिनट्स हो जाएगा क्योंकि 15-30 मिनट तक आप लोगों का लिक्विफिकेशन रहता है, क्योंकि सीमन सैंपल इज अ विस्कॉस इन नेचर, हाईली विस्कॉस फ्लूड। तो इसीलिए इसको लिक्विफिकेशन करके ही आप लोग टेस्ट करवा सकते हो, नहीं तो विस्कोसिटी इतना ज़्यादा है कि आप लोग टेस्ट अच्छे से नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल सीमेन वॉल्यूम पर इजाकुलेशन। पर इजाकुलेशन के हिसाब से आप लोगों का कितना सीमेन सैंपल नॉर्मली निकलता है, सिक्रेशन होता है, सो दैट वॉल्यूम इज द, आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में इसके बारे में बता चुकी हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1-6.5 ml के बीच में आप लोगों का सीमेन जो होता है वही सिक्रेशन होता है। तो इसके असर अगर उससे कम या फिर ज़्यादा हो रहा है, सो दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अब नॉर्मल कंडीशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे आ गया है, तो सीमेन एनालिसिस में हम लोग मेनली क्या करते हैं ना, स्पर्म काउंट करते हैं। तो व्हाट इज़ द नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है आप लोगों का, अगर आप लोगों का अब्सटिनेंस ज़्यादा दिन तक होता है तो आप लोगों का मतलब टू सम एक्सटेंट ज़्यादा रहता है स्पर्म काउंट, लेकिन नॉर्मली आप लोगों का 20-150 मिलियन स्पर्म पर ml। गाइज यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पर ml के हिसाब से आप लोगों को यहीं पे देखना है, पर ml के हिसाब से यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन में जो दिया गया है 20-150 मिलियन पर ml के हिसाब से आप लोगों का स्पर्म काउंट होता है। तो यहीं पे और एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आ गया है, नॉर्मली व्हाट परसेंटेज ऑफ स्पर्म्स शुड बी नॉर्मल इन सेल। तो अगर आप लोग सीमेन एनालिसिस कर रहे हो, माइक्रोस्कोपी के अंदर में आप लोग स्पर्म सेल्स देख रहे हो, तो कितना परसेंटेज जो है वो करेक्ट शेप में, नॉर्मल शेप में होने चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि दिस रिपोर्ट इज नॉर्मल। ऐसा तो नहीं है कि पूरा 100% आप लोगों का पूरा फर्टाइल स्पर्म सेल्स होते हैं, कुछ होते हैं आप लोगों का जैसे कि डबल हेडेड, डबल टेल, विदाउट नेक, तो ऐसे बहुत सारे अबनॉर्मलिटीज के बारे में हम लोगों ने बात किया था वीडियो लेक्चर में। तो ऐसे ही गाइस आप लोगों का मिनिमम कितना परसेंटेज ऑफ स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो नॉर्मली नॉर्मल शेप में होने चाहिए, सो दैट परसेंटेज इज 70% स्पर्म सेल्स शुड बी देयर इन द नॉर्मल शेप, सो दैट वी कैन गिव दैट रिपोर्ट एज अ नॉर्मल रिपोर्ट, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के दिया गया है, व्हाट शुड बी द स्पर्म काउंट ऑफ ए पर्सन
who has undergone vasectomy. तो वैसेक्टोमी क्या होता है? तो वैसेक्टोमी इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर फॉर कंट्रासेप्शन. ठीक है, कंट्रासेप्शन के लिए एक सर्जिकल परमानेंट सोल्यूशन आप लोग निकाल लें कि मेल के अंदर में किया जाता है एक सर्जिकल प्रोसीजर. तो इस प्रोसीजर में क्या होता है कि आप लोगों का जो वासर डिफरेंसिया होता है उसको कट किया जाता है, उसको टाई करने के बाद उसको सील कर देते हैं ताकि स्पर्म जो होते हैं वो निकल ना पाए. ठीक है, वैसेक्टोमी के बाद आप लोगों का क्या करते हैं, सीमेन एनालिसिस करते हैं. अगर सीमेन एनालिसिस में आप लोगों का स्पर्म सेल्स आते हैं इसका मतलब वैसेक्टोमी अच्छे से नहीं हुआ है, क्योंकि ये कंट्रासेप्शन के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं ना. तो इसीलिए आप लोगों का कितना परसेंटेज आप लोगों का वैसेक्टोमी के बाद आप लोगों का स्पर्म सेल्स मिलने चाहिए, तो गाइस नील. क्योंकि अगर मिलेंगे तो फिर हम लोग कंट्रासेप्शन क्यों ही करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर क्यों करेगा कोई. तो इसीलिए गाइस क्या होता है ना, नील स्पर्म सेल्स होने चाहिए आफ्टर दैट कंट्रासेप्शन, दैट इज कॉल्ड एज वैसेक्टोमी. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये दिया गया है, व्हाट इज द नॉर्मल सीमेन पीएच. तो नॉर्मल सीमेन पीएच कितना होता है गाइस, हम लोगों ने बात कर लिया था. सो दैट इज आप लोग ऑप्शन में से देख पाते हो, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द 7.1 से 8.0 इज द नॉर्मल पीएच ऑफ द सीमेन सैंपल. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये दिया गया है, एटलीस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्पर्म्स शुड शो नॉर्मल फॉरवर्ड मूवमेंट. गाइस नॉर्मली स्पर्म सेल्स आर एक्टिवली मोटाइल इन नेचर, सो दे शुड बी फॉरवर्ड मूवमेंट आप लोगों का वो करने चाहिए. तो कितना परसेंटेज मिनिमम अगर होता है फॉरवर्ड मूवमेंट तो आप लोग रिपोर्ट को सही मानते हो, 25, 45, 60 या फिर 80. तो गाइस मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि 60% ऑफ स्पर्म सेल्स आप लोगों के फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाने चाहिए ताकि आप लोग उस रिपोर्ट को नॉर्मल दे सको, ताकि ये रिपोर्ट जो होता है वो नॉर्मल रहेगा. ठीक है, तो गाइस आप लोगों ने देख लिया 60% होता है. उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये दिया गया है, द नॉर्मल सेमिनल फ्रुक्टोज लेवल इज. तो नॉर्मल फ्रुक्टोज लेवल आप लोगों का, जैसे कि हमने बात कर लिया स्पर्मेट जो कितना परसेंट इसका होता है, 5% ऑफ द सीमेन सैंपल होता है आप लोगों का स्पर्मेट जो. तो फ्रुक्टोज कितने मिलीग्राम आप लोगों का प्रेजेंट होते हैं इन द सीमेन सैंपल. तो ऑप्शन सारे आप लोग देख के मेरे को ये बताइए कि इसका आंसर अगर आप लोगों को पता होगा तो 300, 500, 800 या फिर 1000 मिलीग्राम्स. तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 300 मिलीग्राम्स ऑफ फ्रुक्टोज पर 100 ml. तो गाइज हम लोगों ने बात किया था स्पर्मेट जो होते हैं वो पर ml के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, स्पर्म काउंट करते हैं, लेकिन जब फ्रुक्टोज की बात आती है तब हम 100 ml का ही लेते हैं. 100 ml में आप लोगों का 300 मिलीग्राम होने चाहिए फ्रुक्टोज, राइट. तो ये क्वेश्चन होने के बाद चलिए देखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेवर्स गुड सीमेन क्वालिटी. गाइस अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हो यानी आप लोग पूरा सीमेन एनालिसिस जो है 80% आप लोगों का एकदम क्लियर हो गया है. तो गाइस क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेवर्स गुड सीमेन क्वालिटी, कैफीन, अल्कोहल, स्मोकिंग टबाको, नॉन ऑफ द अबव. इसका मतलब ये होता है कि ये तीन चीज़ों में से ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि सीमेन सैंपल के लिए फेवरेबल है, सही है. तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ द अबव. इसमें से ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है विच फेवर्स सीमेन क्वालिटी. ठीक है, तो गाइस चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है, व्हाट डजंट इंटरफियर विद द गुड सीमेन क्वालिटी. इस चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन नहीं है जो कि इंटरफियर नहीं करता है विद द सीमेन गुड सीमेन क्वालिटी. तो हर्बल मेडिसिन सच एज सिमेटाडाइन, ड्रिंकिंग अब्यूडेंट वाटर, ए सीमेन सैंपल दैट गेट्स पोर्ड. तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी, ड्रिंकिंग अब्यूडेंट वाटर यानी ड्रिंकिंग टू मच ऑफ वाटर डजंट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ योर सीमेन, इट विल नॉट इंटरफियर. ठीक है, तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स मे बी नीडेड फॉर इवेल्युएटिंग मेल इनफर्टिलिटी. तो इसमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि मेल इनफर्टिलिटी को चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और द FSH और ऑल ऑफ द अबव. तो गाइज मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे जो तीन हार्मोन्स दिए गए हैं ये तीनों के सारे हार्मोन्स चाहिए हम लोगों को टू इवेल्युएट मेल इनफर्टिलिटी. मेल इनफर्टिलिटी को चेक करने के लिए ये कहीं ना कहीं ये तीन हार्मोन्स आप लोगों को चाहिए होंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों के सामने, व्हाट डज सी स्टैंड फॉर इन ए PCT. तो PCT क्या होता है गाइज, पोस्ट कॉइटल टेस्ट होता है. तो इसका मतलब होता है, यहाँ पर सी का मतलब हो गया है कॉइटल, जो कि ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं. तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, दैट इज द कॉइटल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये दिया गया है, विच काउंटिंग चैम्बर में बी यूज फॉर स्पर्म काउंटिंग.
तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ने के टाइम पे पढ़ा था कि सिर्फ इम्प्रूव नेबर चैम्बर ही हम लोग स्पर्म काउंट के लिए ले सकते हैं। गाइस ये क्वेश्चन आज इस वीडियो लेक्चर में इसलिए मैंने लाई हूँ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में ना बहुत सारे न्यू टर्मिनोलॉजी न्यू टेस्ट के बारे में बताते हैं जो कि हम लोग वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोगों ने तो ऐसा नहीं पढ़ा था। तो हमारा जो जितना पढ़ने का रेंज है थोड़ा सा उसको इंक्रीज करने के लिए ये जो हार्ड क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने रखा हुआ है यहीं पे। तो क्वेश्चन ये है न्यूअर हीमोसाइटोमीटर, मैक्युलर चैम्बर और माइक्रोसेल या फिर एनी ऑफ द अबव। तो गाइस यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो दैट द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, एनी ऑफ द अबव। तो ये तीन जो चीज़ें हैं आप लोगों को याद रखने हैं फॉर काउंटिंग द स्पर्म सेल्स, ये थ्री चीज़ें आप लोगों को चाहिए होंगे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आ गया है, व्हेन स्पर्म काउंट्स आर लो व्हिच पिपेट कैन बी यूज्ड। अगर आप लोगों को पता चल गया है कि स्पर्म काउंट इसका लो है तो आप लोग कौन सा पिपेट यूज करोगे, जैसे कि आप लोगों को पता होगा RBC पिपेट, WBC पिपेट, पैस्चर पिपेट या फिर हीमोग्लोबिन। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज WBC पिपेट इज नीडेड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आ गया है, व्हिच केमिकल और रिएजन इज ऑफन यूज फॉर एस्टिमेटिंग फ्रुक्टोज कंटेंट इन द सीमेन। तो फ्रुक्टोज तो मिनिमम हम लोगों ने बात कर लिया, 300 मिलीग्राम पर 100 ml आप लोगों का सीमेन सैंपल में होने चाहिए। लेकिन आप लोग कौन सा टेस्ट करते हो फॉर डिटेक्टिंग फ्रुक्टोज इन द सीमेन सैंपल, GOD रिजर्व सिग्नल, उसके बाद आप लोगों को दिया गया है TSA या फिर बेनेडिक्ट रिएजेंट। तो गाइस ये सारे चीजों के बारे में आप लोगों को पता है GOD शुगर के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर डिटेक्टिंग फ्रुक्टोज लेवल। ठीक है, नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन हम लोग आके पहुंच गए हैं। तो फाइनल क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये दिया गया है, व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग पोस्ट कोइटल टेस्ट। तो पोस्ट कोइटल टेस्ट के बारे में जो हम लोगों ने बात किया उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे ऐसे ऑप्शन में से कौन सा चीज़ें हैं जो कि सही है। ठीक है, तो गाइस ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज द म्यूकस इज एग्जामिन्ड माइक्रोस्कोपिकली। माइक्रोस्कोपिकली उसका जो म्यूकस है उसको डिटेक्ट किया जाता है, सो दिस इज द राइट आंसर। गाइस आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, इससे मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। तो गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ठीक है, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। थैंक यू।